आज मैंने आपके साथ हरे दाल की पकौड़ी की रेसिपी शेयर की है जो आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए इसकी मेकिंग पे चलते हैं और बताते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले जो मूंग की हरी दाल होती है ना, उसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए रात भर पानी में सोख कर लिया और सुबह मैंने इसे अच्छी तरह पानी इसका निकाल लिया और 2 पानी फिर इससे वॉश कर लिया। ये देख रहे हैं ना दाल कितनी फूली फूली और बड़ी बड़ी निखर के आई है। बस सारा पानी को हटा के फिर इसे हमें मिक्सी बाउल में डाल लेना है। ये मैंने कम से कम 200 ग्राम दाल ली है, आप अपने अकॉर्डिंग दाल लें जितना आपको पकौड़ी बनाने हो। बस इसमें हम कुछ जो खड़े हरे मसाले हैं वो डालेंगे ताकि जो हमारा स्वाद है पकौड़ी का बढ़ के आए। तो इस पर मैंने ताज़ी हरी धनिया के कुछ पत्ते डाले हैं और साथ ही साथ मैंने डाली है इसमें 2 मिर्ची। अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हो तो आप इसमें 5 से 6 मिर्ची डाल सकते हैं इसे और चटक बनाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें मैंने डाला है नमक, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट तक चला देंगे ताकि ये देखिए हमारा एकदम अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। ये देख रहे हैं ना पेस्ट हमारा कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि दाल का खुद का पानी होता है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूंगी 2 चॉप्ड ऑनियन, प्याज को मैंने अच्छे से बारीक काटा है। और फिर हम इसमें अब रेगुलर मसाले डालेंगे जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, वही 3-4 जो खास मसाले हम बस वही डालेंगे। तो इसमें मैंने डाली है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल डाल देंगे ताकि खाने में पकौड़े और टेस्टी लगे। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे जिससे डाइजेस्ट होने में इजी रहता है। और ये देखिए मैंने इस सारे मसालों और प्याज के साथ इस अपनी हरी दाल को एक साथ मिक्स कर लिया है और इसे हमें ना 3 से 4 मिनट तक फेंटना है। फेंटने से ये होगा ना कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ही फुली फुली और बड़ी बड़ी बनेंगी और अंदर से पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी और बाहर से क्रंची लगेंगी। तो ये देखिए मेरा दाल फिट के रेडी है। अगर आप पकौड़े खाने चाहते हैं तो बस इसी दाल के बैटर को लेना है और बड़े बड़े मात्रा में इसका गोला गोला पकौड़ा बना देना है। लंबे भी बना सकते हैं पर मैं आज छोटी पकौड़ी बना रही हूँ इसको, तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे मैं इसकी बड़ी काटूँगी। तो बस इधर मैंने रिफाइन ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर अब मैं छोटी छोटी एक एक करके सारी जो हरी दाल की बड़ी है इसे मैं काटूँगी। और ये देखिए एक एक करके मैंने सारी दालों को डाल दूंगी। और ना जो हमारा फ्लेम है ना पकौड़ी का लो टू मीडियम रहना चाहिए क्योंकि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं एकदम अंदर तक सिकी रहनी चाहिए, तो इसके लिए जो हम फ्लेम है उसे लो टू मीडियम कर देंगे और बारी बारी करके हम सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। एक बार में जितना आ सके उतना आप डालें, थोड़ा सा स्पेस रहने भी दें ताकि पूरा भर के ना डालें, नहीं तो फिर हमें चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर ये देखिए 5 मिनट हो जाने पे हम थोड़ा सा पहले हल्का सा हिलाएंगे ताकि जो पकौड़ी है हम तला छोड़ दे और कढ़ाई में ना पकड़े, और 5 मिनट तक इसे हम एकदम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद फिर हम गैस को थोड़ा सा फ्लेम उसका हाई करेंगे और जो अपनी पकौड़ियाँ हैं इसे हम पलटेंगे। ये देखिए एक टर्न से हो गई हैं एक तरफ से 5 मिनट में ही, और ये दूसरी तरफ अब हमने सारी करके एक एक पकौड़ियों को तल दिया, पलट दिया है और पकौड़ियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही वापस से आँच कम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। 10 मिनट लगता है एक बैच पकौड़ी बनने में। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है और ये हमारी पकौड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये देखिए लग रही है ना कितनी सुपर सॉफ्ट और क्रंची वाली हरी मूंग की पकौड़ी। बस ये रेडी है, इसे मैं थोड़ा सा फ्लेम इसका हाई कर दूंगी ताकि जो हमारे पकौड़ी है वो उसमें क्रंचीनेस बना रहे, और थोड़ा हाई फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट तलेंगे। ये देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे तल दिया है और ये देख रहे हैं ना कितना अच्छा इसका कलर और फिर ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और जब इसको आप खाएंगे ना तो एकदम बाहर से तो क्रंचीनेस लगेगा और अंदर से एकदम मुंह में एकदम घुल जाने वाली पकौड़ी मैंने रेडी की है। और ये देखिए गैस मैं बंद कर दे रही हूँ और ये सारी पकौड़ियों को मैं एक प्लेट पर मैंने नॉर्मली सादा रफ पेपर पर ही सारा निकाल दिया है। ये रफ पेपर भी ना टिश्यू पेपर का ही काम करती है, सारा तेल है वो निकल जाता है।
इसी तरह मैं अपना सेकंड बैच भी बना लूँगी। एक एक करके सारी पकौड़ियों को डाल देंगे और पहले 5 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम बनाएंगे। बस ध्यान ये देना है, 5 मिनट बाद हम पकौड़ियों को हल्का सा एक तरफ पलट देंगे और 5 मिनट फिर पकने देंगे और आखिरी में 3 से 4 मिनट इसे हम हाई मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो पकौड़ी है उसमें कुरकुरापन बना रहे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये अपनी पकौड़ी अपनी फैमिली को बना के ज़रूर खिलाइएगा। ये देख रहे हैं ना कितनी टेस्टी और क्रंची पकौड़ी बनी है। थैंक यू।